दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं आपका साथी गुरदयाल सिंह सिद्धू, मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ, जैसे एक कोटेशन है, संकट सफलता की नींव है। हर समस्या में कोई ना कोई अच्छाई छिपी हुई है। दोस्तों आज पूरी दुनिया जैसे कोरोना जैसी महामारी के साथ लड़ रही है, जूझ रही है। हमारे बहुत सारे अर्थशास्त्री बताते हैं कि आने वाला समय हिंदुस्तान के लिए भी थोड़ा मुश्किल भरा होगा। बहुत सारे लोगों की जॉब जा सकती है, बहुत सारे छोटे उद्योग जो हैं उनके ऊपर काफी संकट मंडरा सकता है। लेकिन दोस्तों अगर हम सब मिलके हिंदुस्तान के लोग ठान लें कि आज के बाद हम हिंदुस्तान में बना प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करेंगे तो हमारा बहुत बड़ा योगदान देश की आर्थिक व्यवस्था में होगा। इसके बारे में हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपील की है। आओ देखते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं। साथियों, कोरोना संकट ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन, इसका भी महत्व बराबर समझा दिया है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। आपको आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे, लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया, तो वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है, लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। जैसे आपने सुना, हमारे प्रधानमंत्री जी अपील कर रहे हैं वोकल फॉर लोकल। हमें हिंदुस्तान के प्रोडक्टों के लिए आवाज बनना पड़ेगा, प्रोडक्टों को प्रमोट करना पड़ेगा। दोस्तों अगर हम अपने देश से प्रेम करते हैं, देशभक्ति दिखाना चाहते हैं, तो आने वाले कम से कम 2 साल हम अगर अपने घर में ऐसी कमिटमेंट कर लें कि मेरे घर में केवल मात्र इंडिया के बने प्रोडक्ट ही आएंगे, तो हम बहुत बड़ा हिस्सा अपनी इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में डाल सकते हैं। दोस्तों बहुत लंबा समय अंग्रेजों ने हमारे देश पर राज किया। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, हमारी गिनती ज्यादा थी या अंग्रेजों की ज्यादा थी? नेचुरली आंसर है कि हम लोगों की गिनती ज्यादा थी। फिर भी इतना लंबा समय राज किया, पता क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी जी बोलते थे इंडिया की बनी चीजों का इस्तेमाल करें। शहीद भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, शहीद उधम सिंह जी, करतार सिंह सराभा, ये सारे बोलते थे कि हमें देश को आजाद कराना है। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते थे हमारे बीच में से, किस आजादी की बात करते हो? दोस्तों अगर हम हिंदुस्तान के लोग सारे इकट्ठे होकर जोर से जिकारा लगा देते ना, हिंदुस्तान उसी दिन देश को छोड़ के चले जाते। हमें इतना समा लंबा समा आजादी लेने में नहीं लगा, हमें समझने में लगा कि हम गुलाम हैं। दोस्तों आज वो समय है कि हम सारे मिलके आज के बाद हिंदुस्तान में बने प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। मेरे घर में जो भी प्रोडक्ट आएगा, मैं आज से प्रण करता हूं, वो केवल इंडिया में बना हुआ आएगा। जब भी हम आगे से कोई भी प्रोडक्ट खरीदें, जहां हम रेट देखते हैं, जहां हम ये देखते हैं प्रोडक्ट एक्सपायरी ना हो, उसके साथ एक और आदत बना लें कि आज के बाद हम देखेंगे मेड इन इंडिया है कि नहीं है, ये हिंदुस्तान में बना है कि नहीं बना है। दोस्तों इस चैनल का मकसद है, ये जो आप
पेज देख रहे हैं नीचे, इस पेज को लाइक करें ताकि आपको बहुत सारी वीडियो, बहुत सारी जानकारी मिले। इस वेबसाइट पे आके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं ताकि आपको हम हिंदुस्तानी प्रोडक्टों के बारे में जानकारी दे पाए। दोस्तों एक ही मकसद है हमारा कि हम बनेंगे आवाज वोकल फॉर लोकल, हम अपने देश के प्रोडक्टों की आवाज बनेंगे। और दोस्तों आप भी हमें अपनी वीडियो बना के हमारे पेज को हैशटैग करें, हमारी वेबसाइट पे जाके उसको टैग कर दें, साथ में ये व्हाट्सएप नंबर नीचे आ रहा है इस पे हमें व्हाट्सएप करें वीडियो। जो भी पांच बढ़िया वेबसाइट, जो भी पांच अच्छी वीडियो होगी हम उनको गिफ्ट हैम्पर देंगे, उसमें से आप हो सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ ही आप कोई एक इंडियन प्रोडक्ट जो आपको बहुत अच्छा लगता है उसके बारे में जानकारी देके हमें भेजें, हम आपको इस चैनल में उस प्रोडक्ट के बारे में आपकी दी हुई जानकारी को शेयर करेंगे ताकि और भी बहुत सारे लोगों को पता लग सके। और दोस्तों अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं कोई, इंडिया में आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो भी आप इस व्हाट्सएप पे अपने प्रोडक्ट को हमें सेंड करें, उसकी डिटेल दें ताकि हम आपके प्रोडक्ट को इस चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकें। एक ही मकसद है इस चैनल का, वोकल फॉर लोकल, के हमें हिंदुस्तान के प्रोडक्टों को प्रमोट करना है, हमें हिंदुस्तान के प्रोडक्टों को इस्तेमाल करना है। इस वेबसाइट पे, इस पेज के माध्यम से हम आपको इंडियन प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, जैसे पीटर इंग्लैंड सुनने से ऐसा लगता है जैसे कोई विदेशी कंपनी का है, नहीं दोस्तों ये इंडिया का प्रोडक्ट है। और ऐसे कुछ प्रोडक्ट हैं जिनके नाम के साथ हिंदुस्तान लगता है लेकिन वो विदेशी कंपनी है। हम आपको पूरी पूरी लिस्ट प्रोवाइड कराएंगे इस चैनल के माध्यम से, इस पेज के माध्यम से, इस वेबसाइट के माध्यम से, कि आपको पता लग सके इंडियन प्रोडक्ट कौन से हैं। और आपको भी जो प्रोडक्ट अच्छा लगता है उसके बारे में आप हमें जानकारी दें ताकि आपकी वीडियो को भी हम इस चैनल के माध्यम से प्रमोट कर सकें। और मैं चाहता हूं आप वीडियो बना के हमें भेजें कि मैं बनूंगा वोकल फॉर लोकल, जहां मैं स्वदेशी प्रोडक्ट इस्तेमाल करूंगा, जहां मैं आज से प्रण करता हूं कि मेरे परिवार में, मेरे घर में आज से स्वदेशी प्रोडक्ट आएंगे। जो भी आपको अच्छा लगे आप कविता के माध्यम में ऐसे कैसे करके हमें एक वीडियो बना के भेजें। जो भी पांच अच्छी वीडियो, बेस्ट वीडियो होगी उनको हम गिफ्ट हैम्पर देंगे। और दोस्तों इस चैनल के माध्यम में आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें, हमारी वेबसाइट पे आए हमें WhatsApp के थ्रू मैसेज करें कि आज के बाद अगर आप हमारे साथ हो, इस टीम का हिस्सा बनना चाहते हो कि मैं बनूंगा वोकल फॉर लोकल, आओ मिलके सारे हिंदुस्तान में आर्थिक आजादी का अभियान, आर्थिक व्यवस्था में अपना योगदान देने के लिए आओ सारे मिलके एक बहुत बड़ा अभियान शुरू करते हैं। आप और हम मिलके बहुत सारे लोगों के जिनकी जॉब जाने वाली थी जॉब बचा सकते हैं, जो छोटे उद्योगों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है उसमें से उनको निकाल के दे सकते हैं। आपका और मेरा लेकिन ये शुरू अपने आप से होता है। मैं आज से प्रण करता हूं कि मेरे घर में जो भी प्रोडक्ट आएगा वो हिंदुस्तानी होगा। आप तैयार हैं क्या? नमस्कार, सत श्री अकाल।